लट मारो सब। मैं तो 36 कौम के युवा साथियों से कह रहा हूँ, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इनको मारो सालों, भगाओ यहाँ से सालों को। जेल जाएगा जालौर कांड के पीड़ितों को धमकाने वाला। अरे फालतूगिरी की ना, यहाँ चलेगी नहीं है फालतूगिरी। तोड़ के रख देंगे, तोड़ के फालतूगिरी साले आराम करो। FIR दर्ज, जातिवादी शख्स की अब खैर नहीं। जात नहीं क्या, उठा डंडा टेको दी उन्होंने, जटे ये झंडा दिखेगा बटे ठोको दी उन्होंने तो छा पड़ी उन्हें। और ये भीम वाले नहीं आएंगे वहां तुम्हें बचाने के लिए, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये जातिवादी शख्स जल्दी ही सलाखों के पीछे नजर आएगा। जालौर कांड के पीड़ित परिवार को खुलेआम धमकी देने वाले इस जातिवादी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर इंद्र मेघवाल के परिवार पर हमला करने के लिए अपनी जाति के लोगों को उकसाने की कोशिश करने वाले इस शख्स का ये बयान सुनिए। लड़का खुद मरा है और फिर लड़के के नाम पे उनको पैसा कमाना है। पहले तो 1.5 लाख रुपए लेके राजीपा कर दिए, 20 दिन के बाद कोई हत्या करता है क्या उसका। लट मारो सब, मैं तो 36 कौम के युवा साथियों से कह रहा हूँ, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इनको मारो सालों, भगाओ यहाँ से सालों को, ठीक है ना। जहां दिखे ना, मैंने कहा एक ही चीज, मुंडो बांधो, ओको बांधो, था पढ़नो चाहिए ने कौन टेक किया, गाड़ी लारे नंबर प्लेट कहीं नहीं रागनी, मारो भोतो पुरतो। जहां दिखे उठे डंडा टेको दीख रो ने, जटे ये झंडा दिखेगा बटे ठोको दीख रो ने तो छा पड़ी उन्हें। और ये भीम वाले नहीं आएंगे वहां तुम्हें बचाने के लिए, ठीक है ना। और ये फालतूगिरी की ना, यहाँ चलेगी नहीं है फालतूगिरी, तोड़ के रख देंगे, तोड़ के फालतूगिरी साले आराम करो, मर जाए माहौल बनाते हो। तो सुना आपने कैसे ये जातिवादी शख्स पीड़ित परिवार पर हमला करने के लिए लोगों को उकसा रहा है। इसका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान ने इस वीडियो क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए जालौर के DM और SP से इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सुमित ने लिखा था, लट मारो, इनको मारो, भगाओ यहाँ से। देखिए कैसे ये जातिवादी शख्स जालौर के पीड़ित परिवार को खुलेआम मारने की धमकी दे रहा है। क्या राजस्थान पुलिस संज्ञान लेगी? जालौर के DM SP कुछ करेंगे? अशोक गहलोत, आपके राज में जातिवादियों को खुली छूट मिली है क्या? सुमित के इस ट्वीट पर बहुजन समाज के लोगों ने जबरदस्त आक्रोश जाहिर किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। इसके बाद जालौर पुलिस की तरफ से सुमित को जवाब दिया गया कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। जालौर पुलिस ने लिखा, इस संबंध में पुलिस थाना कोतवाली जालौर में FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है, अग्रिम अनुसंधान जारी है। यानी अब इस जातिवादी के खिलाफ कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जालौर पुलिस का जवाब आने के बाद सुमित चौहान ने लिखा, इस जातिवादी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। जालौर पुलिस ने अभी बताया है कि इसकी तलाश की जा रही है। DM SP से मेरी अपील है कि इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी गिरफ्तारी कब होगी। सवाल तो ये भी है कि जब 36 कौम के नाम पर सवर्ण पंचायतें कर खुलेआम पीड़ित परिवार को धमका रहे हो और जालौर के SP तालियां बजा रहे हो, तो भला इस आरोपी पर कार्रवाई कौन करेगा। ऐसे जातिवादी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ सामाजिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पीड़ित परिवार को डराने और चुप बैठ जाने पर दबाव भी बना रहा है। ऐसे जातिवादियों की जगह सिर्फ जेल हो सकती है, इन्हें खुले में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।